उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड, वैसे मोटे में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सीधी खबर, आपका अपना चैनल वैसे मोटे खबर, जनपद पौड़ी से। आज शिक्षक दिवस है, आप सभी को शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं। पौड़ी जनपद के 22 शिक्षकों शिक्षिकाओं शिक्षक दिवस पर मिला पंडित दीनदयाल शिक्षक सम्मान। आज शिक्षक दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर जिला मुख्यालय स्थित पौड़ी के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज पौड़ी के सभागार में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथियों के हाथों 22 शिक्षक और शिक्षिकाओं को उनके क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को आज दीनदयाल सम्मान समारोह में स्थानीय विधायक राजकुमार पौड़ी, पूर्व विधायक एवं नगर पालिका अध्यक्ष जसपाल बेनाम, जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदुंडे, निर्देशक माध्यमिक शिक्षा अग्रवाल मंडल महावीर सिंह बिष्ट, मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज, प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज पौड़ी विमल चंद और हम गौरवान्वित हैं इस पल को पाकर के कि हम आज इस सभागार में उपस्थित होकर के उस पल के साक्षी बनने जा रहे हैं, जिसको हम अपने विद्यालयों में शेयर भी करेंगे, अपने साथ के शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रेरित भी करेंगे। श्रीमती रेणुका प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक राहुल मावी दोनों डांडा, अगर एक दो दिन आगे पीछे होता तो शायद मेरे जन्मदिन की महत्वता उतनी हो जाती। हालांकि अपने समर्थक जिन लोगों को पता होता है तो मिलाते ही, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि आज मैं शिक्षकों के बीच में विद्यालय में, मेरा पूरा नाम सुभाष चंद्र है और मैं प्रधानाध्यापक हूँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय में। गुर्जर निरंतर शैक्षण शिक्षा क्षेत्र में तो आप काम कर रहे हैं, उसके अलावा आप बच्चों को लगातार मोटिवेट कर सकते हैं हर एक क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, आज किस क्षेत्र में आप सम्मानित किए गए? मेरा ये है सर कि हम अपने प्रत्येक टीचर जो है अपने विद्यालय में बेहतर काम कर रहे हैं, और थोड़ा सा ये है कि समाज को जोड़कर जो उनके अभिभावक हैं, हमारे जो SMC मेंबर्स होते हैं, और ये नहीं कि हम केवल SMC मेंबर्स को जोड़े, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस क्षेत्र में हम अपना अध्यापन कार्य करवा रहे हैं, उसके समस्त क्षेत्र की जनता को जोड़ना हमारा काम है विद्यालय के प्रति, तभी हम उस बच्चे को जो है अच्छी सवारी दे सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। सर गुरुजी, पूरा नाम आपका? मेरा नाम मोहन सिंह राणा। कौन से विद्यालय में वर्तमान में? गुरुजी, हमने भी देखा कि आप निरंतर जो है कि अपने शिक्षा क्षेत्र में विद्यालय के शैक्षिक बच्चों के शैक्षिक क्षेत्र में भी लगातार निरंतर काम करते रहते हैं, और काफी अच्छा मैं भी देखता रहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य लोगों के माध्यम से पता चल जाता है, किन्सुर के पूरा स्टाफ के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि हम मीडिया से जुड़े हैं। आप निरंतर बेहतर कार्य करें, इसके लिए आज सम्मान आपको मिला शिक्षक दिवस पर। गांधी जी, ऐसा है कि इसमें हम लोगों ने, मैं मतलब लगभग कई वर्षों से वहीं पर निवास करता हूँ जहाँ पर कार्य क्षेत्र है, और बच्चों को 2-3 घंटे अतिरिक्त मैं प्रतिदिन देता हूँ, और मैं निःशुल्क जो है उनको ये विद्याध्ययन करवाता हूँ। तो अभी मेरे कम से कम 16 बच्चे जो हैं इस समय विभिन्न स्थानों पर हैं, राजीव गांधी में हैं, जवाहर में हैं, हिमज्योति स्कूल में हैं, और ये सब वो बच्चे हैं जिनके, जैसा हम लोग कहते ही हैं कि घरों में बहुत आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, गाइडेंस नहीं है, जैसे हम अक्सर बाज़ारों में सुनते थे, तो हमें मौका मिला तो हमने कोशिश करी कि उन पर काम किया जाए जो जिन पर काम आसानी से होता नहीं। आज आपको सम्मानित किया गया है शिक्षक दिवस पर, कैसे महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आज यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय, क्षेत्र विधायक, पूर्व विधायक और आपके शिक्षक के बड़े अधिकारी, अपर निदेशक यदि माध्यम अपना डिस जी, काफी लोग रहे, तो कैसे महसूस कर? काफी प्रोत्साहन मिला है, और यही है बच्चों के लिए, अगर आप काम करते रहे तो पुरस्कार उसी का ही पड़ाव है, मंजिल तो नहीं है, काम अभी बहुत ज्यादा बचा हुआ है, लेकिन हाँ, जनपद में अगर आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है और तो कहीं ना कहीं हमें ऊर्जा मिलती है, और मेहनत से काम करने का जज्बा भी तैयार होता है। जिस हिसाब से मैं मंच पर सम्मानित होते हुए सभी शिक्षकों को देख रहा था, तो जो हमारे CEO साहब है वो आपकी पीठ को खूब तपता रहे थे, तो इससे लग रहा था कि आपके कार्यों से वो बहुत खुश है।
हाँ, उन्होंने मेरे कार्य क्षेत्र में आकर के बहुत बार मुझे ऑब्जर्व किया है और मैं समझता हूँ उनको बहुत ज़्यादा अनुभव है व्यक्तियों को, मतलब शिक्षकों को पहचान का, क्योंकि लंबा अनुभव उनके पास और वो काफ़ी वो भी संघर्ष करके इस मंजिल तक पहुँचे, तो बहुत जल्दी व्यक्तियों को पहचानते हैं। और उन्होंने बहुत प्रमोट किया मुझे और कहा है कि आपको मतलब हमेशा ही जो है इस तरह के कार्य करते रहने चाहिए और ये आपको कोई सम्मान मिले ना मिले और हम दे रहे हैं ये भी है, और अगर कभी ऐसा लगता है कि भाई रास्ते में बहुत परेशानियां भी है तब भी कार्य जारी रखिए, वही सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। बहुत प्रेरणा दी है उन्होंने, तो मैं विशेष रूप से हमारे सीईओ सर आनंद भारद्वाज जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारा सर यह है कि रिकॉग्निशन हो रहा है और उच्चाधिकारियों द्वारा शासन के द्वारा जो है कार्यों की पहचान की जा रही है, अभी तो हमारा जो है फर्ज है, मैं तो मानता हूँ कि अब ये सौभाग्य है कि इस क्षेत्र में हम और विगत 16 वर्षों से जो है निरंतर अपने कार्य क्षेत्र में जो है फिर समर्पित होकर के कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं जितना भी हो पा रहा है। और अच्छा तब लगता है कि जब हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जा करके जो है अच्छे स्थान पर जो है अपना करियर बनाते हैं या अपना जीवन यापन खुशहाली से जीते हैं और हमें याद करते हैं, तो वही हमारी जो है पूंजी है, उसी को हम वो किसी पुरस्कार से भी बड़ा पुरस्कार हम मानते हैं। इन दिनों जो है प्रयास किया हमने 14 सालों में कि अतिरिक्त कक्षा में लेकर के 1 बजे छुट्टी हो जाती थी, 1 बजे के बाद से जो है प्रयास किया कि 3 बजे से और 3:30 से लेकर के 6 बजे तक बच्चे अतिरिक्त कक्षा भी जो है संचालन का हमने प्रयास किया। उसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो उनके बेसिक्स कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा क्लियर नहीं थे, उनको जो है क्लियर करने का प्रयास हमने किया, निरंतर जो है कुछ ना कुछ नवाचार करने का प्रयास करते रहते हैं सिर्फ उन बच्चों के खातिर जिनके पीछे हम बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। बस इतना ही, आगे भी जो है निश्चित रूप से जो है जो भी प्रेरणा इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों के प्रेरक संबंधों के कारण से जो है उपायगा निश्चित रूप से। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि आज हम अपने ही दिवस पर यहाँ पे जिला स्तरीय जो हमारे उच्च अधिकारी जी हैं, श्रीमान जिलाधिकारी जी और माननीय विधायक पौड़ी और नगर पालिका अध्यक्ष जसपाल मीनाम जी और हमारे जो अपन निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़ावल पौड़ी के श्री महावीर सिंह गुप्त जी और मुख्य शिक्षा अधिकारी जी और तमाम अन्य गणमान्य व्यक्तियों के सामने हम आज सम्मानित हुए। और ये हमारे शिक्षक जगत के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हमारे कार्यों की बदौलत हमें ये सम्मान मिला है, क्योंकि हमारा जो शिक्षण कार्य है वो तो इसका हमें वेतन मिलता है, लेकिन शिक्षण कार्य के हम अपने विद्यालय के भौतिक और शैक्षिक संसाधनों को जुटाने के लिए और क्या कर सकते हैं, और शिक्षा में नई नई जो प्रविधियाँ हैं जिसको हम शैक्षिक नवाचार कहते हैं उसमें किस प्रकार से हम बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं और किस प्रकार से नए नए शैक्षिक नवाचार कर सकते हैं, और इन्हीं नवाचारों की बदौलत और सामुदायिक सहभागिता से हमने विद्यालय में जो कार्य किए हैं, समाज का हमने जो सहयोग लिया है और विद्यालय का जो हमने अकादमिक संसाधनों की वृद्धि की है और भौतिक संसाधनों की वृद्धि की है, इनको देखते हुए जिला स्तर पर हमारा सम्मान हुआ है। और मैं धन्यवाद करता हूँ आपका भी और जिला अधिकारी महोदय का और अपने शिक्षक का। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा ए जावा।